हेलो एवरीवन तो पिछले वीडियो में हमने किसी भी बार मैग्नेट की एक्सी लाइन के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की, की वैल्यू फाइंड की थी इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं कि किसी भी बार मैग्नेट की इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है तो चलिए शुरू करते हैं तो यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारे पास एक बार मैग्नेट है जिसकी पोल स्ट्रेंथ है स्मॉल एम और इसके दोनों पोल्स के बीच की डिस्टेंस है टू हम जानते हैं कि किसी भी बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं जिसे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कहा जाता है अगर हम किसी भी बार मैग्नेट की पोल स्ट्रेंथ को उसके दोनों पोल्स के बीच की डिस्टेंस टूवेल्व से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इससे हमारे पास उस बार मैग्नेट का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आ जाएगा फॉर एग्जाम्पल इस बार मैग्नेट का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा कैपिटल एम इक्वल्स टू स्मॉल एम इंटू टूएल्व साथ ही हम जानते हैं कि ये जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसकी डायरेक्शन होती है हमेशा मैग्नेट के साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि हमें इस बार मैग्नेट के सेंटर से डी डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसके लिए हमें इस पॉइंट पी की इन दोनों मैग्नेटिक पोल से डिस्टेंस पता होनी चाहिए इस डायग्राम के अंदर हम देख सकते हैं कि ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है इसका बेस है एल और इसका परपेंडिकुलर है डी तो पाइथागोरस पाइथेगोरेस्थोरम के अकॉर्डिंग इस राइट एंगल ट्राएंगल का हाइपोटेनियस होगा अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर यानी कि इस मैग्नेट के साउथ पोल से इस पॉइंट पी की जो डिस्टेंस होगी उसे लिखा जा सकता है अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर साथ ही इस डायग्राम के अंदर हम देख सकते हैं कि ये जो दोनों राइट एंगल ट्राइंगल होंगे ये एक जैसे होंगे इसलिए इस मैग्नेट के नॉर्थ पोल की इस पॉइंट पी से जो डिस्टेंस होगी वो भी अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के इक्वल होगी अब हम जानते हैं कि किसी भी मैग्नेटिक पोल की वजह से उससे आर डिस्टेंस पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका फॉर्मूला होता है B इक्वल्स टू म्यूनोट अपॉन फोर बाई एम अपॉन आर स्क्वायर यहाँ पर स्मॉल m मैग्नेटिक पोल की पोल स्ट्रेंथ होती है और ये जो स्मॉल r है ये उस मैग्नेटिक पोल की उस पॉइंट से डिस्टेंस होती है जहाँ पे हमको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी होती है अब यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर हम देख सकते हैं कि इस मैग्नेट के दोनों मैग्नेटिक पोल्स की पोल स्ट्रेंथ है स्मॉल एम और इन दोनों मैग्नेटिक पोल से इस पॉइंट पी की डिस्टेंस है अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर यानी कि इन दोनों मैग्नेटिक पोल्स की वजह से इस पॉइंट पी पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका मैग्नेट्यूड इक्वल होगा अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इस मैग्नेट के नॉर्थ पोल की वजह से इस पॉइंट पी पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसे लिखा जा सकता है बी वन इक्वल्स टू म्यूनोट अपॉन फोर पाई एम अपॉन डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर साथ ही इस मैग्नेट के साउथ पोल की वजह से इस पॉइंट पी पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसे लिखा जा सकता है बी टू इक्ल्स टू म्यूनोट अपॉन फोर पाई एम अपॉन डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायेर अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इन दोनों मैग्नेटिक पोल्स की पोल स्ट्रेंथ इक्वल है साथ ही इस पॉइंट पी की इन दोनों मैग्नेटिक पोल्स से डिस्टेंस भी इक्वल है यानी कि इस पॉइंट पी के ऊपर इन दोनों मैग्नेटिक पोल्स की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड्स होंगे उनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल होगा अब हम देखते हैं कि इस पॉइंट पी के ऊपर इन दोनों मैग्नेटिक पोल्स की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं उनकी डायरेक्शन क्या होगी हम जानते हैं कि किसी भी मैग्नेट के नॉर्थ पोल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है यानी कि इस मैग्नेट के नॉर्थ पोल की वजह से इस पॉइंट पी के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड बी वन होगा वो इस मैग्नेट के नॉर्थ पोल से आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा साथ ही हम जानते हैं कि किसी भी मैग्नेट के साउथ पोल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमेशा इनवर्ड डायरेक्शन में होता है यानी कि यहाँ पे इस मैग्नेट के साउथ पोल की वजह से इस पॉइंट पी पे जो मैग्नेटिक फील्ड बी टू है इसकी डायरेक्शन इस साउथ पोल की तरफ होगी अब हमें इस पॉइंट पी के ऊपर इस मैग्नेट की वजह से टोटल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करने के लिए इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड बी वन और बी टू का वैक्टर एडिशन करना होगा इसके लिए हम इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स B1 और B2 के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स कर लेते हैं तो इसके लिए मान लेते हैं कि इस डायग्राम के अंदर ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसमें ये वाला एंगल है थीटा अगर यहाँ पे ये वाला एंगल थीटा है तो इस दूसरे राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर भी ये वाला एंगल थीटा होगा साथ ही इस डायग्राम के अंदर अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स हैं यानी कि यहाँ पे इस मैग्नेटिक फील्ड बी टू का हॉरीजोंटल से बनने वाला एंगल होगा थीटा साथ ही इस डायग्राम के अंदर ये वाला एंगल थीटा होने की वजह से ये वाला एंगल भी थीटा होगा क्योंकि ये दोनों भी अल्टरनेट एंगल्स हैं और अगर ये वाला एंगल थीटा है तो इसके वर्टिकली अपोजिट ये वाला एंगल भी थीटा होगा यानी कि इस मैग्नेटिक फील्ड बी वन का भी होरिजोनटल से बनने वाला एंगल होगा थीटा अब हम इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स बी वन और बी टू के हॉरिजोनटल और वर्टिकल कंपोनेंट्स कर लेते हैं यहां पे इस मैग्नेटिक फील्ड बी वन का थीटा से जुड़ा हुआ हॉरीजोंटल कंपोनेंट होगा बी वन कॉस थीटा और इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा बी वन साइन थीटा इसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड बी टू का थीटा से जुड़ा हुआ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा बी टू कोस थीटा और इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा बी टू साइन थीटा अब यहाँ पे हम जानते हैं कि इस मैग्नेट के इन दोनों पोल्स की वजह से इस पॉइंट पी के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड बी वन और बी टू है उनका मैग्नेट्यूड इक्वल है इसलिए यहाँ पे ये यह जो बी वन साइन थीटा और बी टू साइन थीटा है इनके मैग्नेट्यूड्स भी इक्वल होंगे लेकिन मैग्नेटिक फील्ड बी वन और बी टू के इन दोनों कंपोनेंट्स की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होने की वजह से ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे यानी कि इस पॉइंट पी के ऊपर जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इन मैग्नेटिक फील्ड्स के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के सम के इक्वल होगा तो यहाँ पे इस पॉइंट पी के ऊपर इन दोनों मैग्नेटिक पोल्स की वजह से जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है उसे लिखा जा सकता है बी इक्वल्स टू बी वन कोस थीटा प्लस बी टू कोस थीटा अब यहाँ पे क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बी वन और बी टू का मैग्नेट्यूड इक्वल है इसलिए इस इक्वेशन को लिखा जा सकता है बी इक्वल्स टू टू बी वन कॉस् थीटा अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें कॉस् थीटा की वैल्यू इस डायग्राम से कैलकुलेट करनी होगी इस डायग्राम के अंदर ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है इसका बेस है एल और इसका परपेंडिकुलर है डी और इसका हाइपोटेनियस है अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर तो इस राइट एंगल ट्राइंगल के लिए कॉस फंक्शन को लिखा जा सकता है थीटा इक्वल्स टू एल अपॉन अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर तो अब हम इस इक्वेशन में यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड बी वन और इस डायग्राम से थीटा की वैल्यूज पुट कर देते हैं तो वैल्यूज पुट करने के बाद इस इक्वेशन को लिखा जा सकता है बी इक्वल्स टू टू इन टू म्यूनोटपोन फोर एम अपॉन डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इन टू एल अपॉन अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अब यहाँ पे इस इक्वेशन में इस पोल स्ट्रेंथ एम और इस टूवेल्व के मल्टीप्लीकेशन को मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैपिटल एम लिखा जा सकता है यानी कि हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके लिख सकते हैं B इक्वल्स टू म्यूनोट अपॉन फोर बाई कैपिटल M अपॉन डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर थ्री बाई टू जहाँ पे कैपिटल M का मतलब है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ द बार मैग्नेट अब यहाँ पे अगर हम एज्यूम कर लें कि जो मैग्नेट है वो काफ़ी शॉर्ट है यानी कि उसकी लेंथ काफ़ी कम है

तो देखिए हम जानते हैं कि किसी भी बार मैग्नेट के लिए जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है उसकी डायरेक्शन हमेशा मैग्नेट के साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होती है और जब हम इस बार मैग्नेट की इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर किसी पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करते हैं तो इस पॉइंट पी के ऊपर इस बार मैग्नेट की वजह से जो नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो इस मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होती है यानी कि किसी भी बार मैग्नेट की इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर किसी भी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो हमेशा बार मैग्नेट के मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होगी तो यहां पे इस फॉर्मूले के अंदर ये जो नेगेटिव सिंबल है ये इसी बात को रिप्रेजेंट करता है कि किसी भी बार मैग्नेट की इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर किसी भी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो हमेशा उस बार मैग्नेट के मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होगी तो गाइज इस वीडियो में हमने किसी भी बार मैग्नेट के इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट किया किसी भी बार मैग्नेट के इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मुला होता है B इक्वल्स टू माइनस म्यूनोट अपॉन फोर बाई कैपिटल M अपॉन डी क्यूब जहाँ पर कैपिटल एम का मतलब है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ द बार मैग्नेट और यहाँ पे ये यह जो नेगेटिव सिंबल है ये रिप्रेजेंट करता है कि इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बार मैग्नेट के मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा फिर भी अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं मैं आपके कमेंट्स और डाउट्स का ज़रूर रिप्लाई करूंगा तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय